to breathe, but that's alright. Hush. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले विजय महाजी के स्नेक वाले टॉपिक में फोटो एडिट। तो बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला, कुछ जरूर नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो से आप लोगों को। कुछ हार्ड होने वाली है एडिटिंग, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। आप कर सकते हो, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करके साइड का बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आपने ऐसी फोटो एडिटिंग वीडियोस लाते रहता हूँ, जरूर लाइक कर दीजिए। आज इस वीडियो को बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, ज़्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करते हम। तो फ्रेंड्स, फोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मॉडल को क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों को शेयर करना है अपने पिक्सआर्ट में इसको। तो उसके बाद आपको ड्रॉ में चले, आपको बता देता हूँ। पहले तो आप लोगों को इरेज करना है अपने मॉडल को। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ में जाके यहाँ पे अपने लेयर में क्लिक करके, अपनी फ़ोटो में क्लिक करके यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं अपने साइज़, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे इरेज जल्दी जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इरेज कर लिया हूँ। तो उसके बाद आपको लेयर में जाना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस टाइप से। और फिर बाद में आपको क्या करना है, अपनी एम्प्टी लेयर में आप लोगों को क्लिक करके यहाँ पे ऐड फोटो में जाना है। और फिर बाद में आपको जैकेट की पीएनजी मिल जाएगी, आप लोगों को 3 जैकेट की पीएनजी मिल जाएगी। आप लोग जो भी अच्छी लगेगी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं याली ऐड कर लेता हूँ और इसको कर लूँगा यहाँ पे ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस टाइप से, आप लोग देखते रहिए। तो ऐसा आपको एडजस्ट करके फिर बाद में आपको क्या करना है, इसकी ऑपेसिटी को कम कर लेना है और अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पे इरेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इरेज कर लेते हैं, इसका साइज़ बहुत बड़ा है तो हम लोग इसको कर लेते हैं छोटा, ठीक है। और फिर हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे इरेज, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से करना है, तो यहाँ पे मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं फुल। और फिर आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग जैकेट ऐड हो चुकी है। तो अगर आपको याली अच्छी लग रही है तो आप लोग करिएगा, पर मैं यहाँ पे याली नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक तो बना चुका हूँ। तो आप लोग उसको भी ऐड कर सकते हो अगर आपको ऐड करना होगा तो। यहाँ पर मैंने याली पीएनजी को पहले से क्रिएट करके रख लिया हूँ। अगर आपको याली भी चाहिए तो आप लोगों को इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो चुका है। और फिर आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और फिर आज अपनी फ़ोटो को क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे टी शर्ट आ रही है तो इसको हम लोग रेस कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो आप अगर आपको करना होगा तो आप लोग जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हो चुका है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जैकेट ऐड हो चुका है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड फोटो में जाएंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक तो एम्प्टी लेयर और बनाना है, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एम्प्टी लेयर बना के यहाँ पे ऐड फोटो में जाना है। और कुछ पीएनजीज को आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप लोग उसको ऐड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे आप लोग इरेज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं साइज और यहाँ पे हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कर लेंगे यहाँ पे सेफ्टी का, यहाँ पे 3 डॉट में क्लिक करना है और फिर यहाँ पे सेव कर लेना है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कर लेंगे, पहले तो मर्ज कर लेते हैं प्लीज़। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो उसके बाद आपको क्या करना है आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे मर्ज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड इमेज करना है, ऐड लेयर, ठीक है। एम्प्टी लेयर एक तो बनाना है आपको। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इसका कलर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक करके। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमने अभी पीएनजी जो क्रिएट किए हैं उसको आपको ऐड कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, पीएनजी को ऐड करने से पहले यहाँ पे आपको एक तो एम्प्टी लेयर और बना लेना है और उसको कर लेना है ऐड, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं और आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर हम लोग इसको क्या है, इसको ऐड कर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, इसको ऊपर कर लेना है, ठीक है। और फिर आदमी आप लोगों को क्या करना है, इसको कर लेना है यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुका है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको बढ़ा लेना है, उसको आप लोग ऊपर कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कर लेना है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं देख सक, यहाँ पे आप लोग देखते ही है, तो आपको ऐसा कर लेना है। और फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग ऑपेसिटी को इसकी कम कर लेंगे फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा काम और हम लोग इसको सेव कर लेते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद आपको अपने गैलरी में चले जाना है यहाँ से। तो फ्रेंड्स आपको फोटो एडिट करने के लिए यहाँ बैकग्राउंड की लिंक मिल जाएगी, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तो उसके बाद आपको कर लेना है शेयर यहाँ पे पिक्सआर्ट में, और उसके बाद बताऊंगा क्या करना है। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा बैकग्राउंड ओपन, यहाँ पे रुकिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुका है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड फोटो में जाना है। और जो अभी हमने पीएनजी क्रिएट किए हैं बहुत मुश्किल से, यहाँ पे उसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ऐड करके यहाँ पे हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। तो इस टाइप से आपको कर लेना है एडजस्ट। और फैल में आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैं कुछ इस टाइप से कर रहा हूँ, अगर आपको करना होगा तो आप लोग करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके साइज कुछ इस टाइप से कर ले रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। और फिर आप लोग कुछ इस टाइप से कर सकते हो, जिसमें थोड़ा सा ना यहाँ पे स्मोक टाइप का इफेक्ट आएगा, तो वो बहुत बढ़िया लगता है, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए, तो बहुत बढ़िया लगेगा। मतलब आप लोग करोगे ना तो अच्छी लगेगी आप लोगों की फ़ोटो, अगर आपको करना होगा तो आप लोग करिएगा। तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, और अगर आपको करना होगा तो करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं जल्दी जल्दी, तो उसके बाद हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे डन, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे भी डन कर लेंगे। तो इसके बाद आपको कुछ पीएनजी की लिंक मिल जाएगी, आप लोगों को उसको भी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से ऐड कर लेता हूँ इसे, तो याली पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपको बताऊँगा क्या करना है। तो यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ, और आप इरेज भी कर सकते हो कुछ इस टाइप से यहाँ पे। तो आप लोग इरेज भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको बढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स। तो उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको एक और पीएनजी की लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग उसको भी ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे ये रही, तो उसको ऐड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे डन, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया आराम से करिएगा, आप लोगों को बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी फोटो वैसे भी बहुत बढ़िया लग रही है, आप लोग देख सकते हैं। फिर भी अभी हमारी एडिट नहीं हुई है, हम लोग यहाँ पे ड्रॉ में जाके पहले तो इसको कर लेंगे सेव, ठीक है। तो अगर आपको एक चीज़ नोटिस की होगी, तो यहाँ पे मैंने एक पीएनजी को ऐड किया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको ऐड करना है तो आप करिएगा, जैसे विजय महाजी की फ़ोटो में है, तो आप लोग ऐड करना है तो आप लोग ऐड करिएगा। आपको उसकी पीएनजी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये है, ठीक है। तो इसको आप ऐड कर सकते हो, तो अगर आपको करना होगा तो आप करिएगा, वरना मैंने तो मेरे को अच्छा लगता है, पर ठीक है कर लेते हैं जैसे विजय महाजी ने करी हैं। तो उसकी पीएनजी की लिंक आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको ऐड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे कर लेंगे डन, ठीक है। बहुत बढ़िया हो रहा है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा अपनी फ़ोटो को यहाँ पे सेव। यहाँ पे आप लोग रोकिए एक मिनट, यहाँ पे हम लोग अपनी फ़ोटो में क्लिक करके यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेंगे बढ़िया से यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हम लोग छोटा सा कट लगा के यहाँ पे इसको कर लेंगे सेव, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अपने लाइट रूम ऐप में यहाँ पे चले आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग अपने लाइट रूम ऐप में चले आते हैं, और अपनी फ़ोटो को यहाँ पे कर लेंगे ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपने लाइट रूम ऐप में आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारा एक मिनट टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं, बहुत टाइम लगाने लगा है आज तक लाइट रूम। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं अपनी फ़ोटो को, और फिर हमने हमारी फ़ोटो को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। तो यहाँ पे हमारी फ़ोटो आ चुकी है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा रिटच कर लेंगे अपनी फ़ोटो को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्सचर थोड़ा सा बढ़ाएंगे फ्रेंड्स। तो और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी क्लियरिटी को बढ़ा लेना है, और फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसे भी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग कम भी कर सकते हो, आप लोग देख लीजिएगा अपनी फ़ोटो में। तो यहाँ पर मैं इसको बढ़ा ही देता हूँ,
और फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, विगनेट को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेंगे, ठीक है, और उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे फ्रेंड्स, आप लोग देख लिए, देखते रहिएगा अच्छे से। और यहाँ पे हम लोग इसे भी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसे भी आपको बढ़ाना है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कलर में जाके मिक्स में क्लिक करके यहाँ पे फेस को कर लेना है वाइट बढ़िया से, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत बढ़िया हमारी फ़ोटो हो चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेड को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और कुछ कर सकते हो आप लोग अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे जाना है आपको, और इसके हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देखते रहिएगा अच्छे से। तो इसे हम लोग कुछ इस टाइप से कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी फ़ोटो में बहुत बढ़िया इफेक्ट आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग और एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारी फ़ोटो बहुत बढ़िया लग रही है, ठीक है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग को अच्छा लगेगा, यहाँ पे जो भी इफेक्ट आपको अच्छे लगेंगे तो आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग हमारी फ़ोटो बहुत बढ़िया दिख रही है, कुछ इस टाइप से थी हमारी फ़ोटो पिक्सआर्ट में, और हमने लाइटरूम में ऐसा कर लिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, आपकी जैसी फोटो एडिटिंग वीडियो चलाता रहता हूँ मैं। और यहाँ पे हम लोग अपनी फ़ोटो को सेव कर लेते हैं, यहाँ 3 डॉट में क्लिक करके यहाँ पे सेव टू डिवाइस, और यहाँ पे कर लेते हैं ओके। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।